एवरीवन, कैसे आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज जो हम व्लॉग लेके आए हैं वो आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स लेके आए हैं। पर आज के जो कमेंट्स हैं वो कमेंट्स हैं जब हमें लोगों ने बोला ऐसा कि हमारी जो प्रेगनेंसी है वो फेक प्रेगनेंसी है, और उसके जवाब में आप लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। तो मेरा बनता है कि आपके कमेंट्स आपके नाम के साथ पढ़े जाएं और अप्रिशिएट किया जाए आप लोगों को, कि आप लोग हमसे इतना प्यार करते हो कि जो हमारे बारे में बुरा कमेंट्स करते हैं उनके लिए आप कैसी थॉट रखते हो। पहला कमेंट पढ़ने जा रही हूं मैं। बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे मलिक जी। क्योंकि क्या होता है, कुछ कुछ लेडीज बहुत स्किनी होती है, ठीक है? तो स्किनी होती है, जो वो प्रेग्नेंट होती है तो उनका वेट इतना गेन नहीं होता है। अब हमारी जो शांति है, मैं उससे पूछ रही थी, शांति तू प्रेग्नेंट थी तो कैसी लग रही थी? शांति कह रही दीदी मेरा सिर्फ पेट पेट आया था और कोई बोल भी नहीं पा रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब मैं डिलीवरी थी ना, सब कह रहे थे कि तेरी डिलीवरी होने वाली है। किसी किसी का पता नहीं चलता, ये कुदरत के ऊपर है, ये हमारी सोच पे या हमारी चीजों पे नहीं है, ये भगवान के ऊपर है कि जिसका पेट है वो वैसे ही रहेगा। कुछ कुछ बहुत मोटी भी हो जाती है बट बेबी छोटा होता है, तो ये सब कुछ होता है ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट कमेंट है रितिका राय का। कृतिका आंसर एब्सोल्युटली राइट, इवन ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी माय स्टमक वाज नॉट विजिबल एट ऑल, एट 9 मंथ्स माय लेग वर विजिबल इन अ प्रॉपर वे लाइक अ ट्री। पैर वो पेड़ जैसे हो गए थे, पतले हो गए थे, बिल्कुल पतले। ऐसा होता है, सबकी अपनी अपनी बॉडी होती है, सबका अपनी अपनी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब प्रेगनेंसी में। कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई किसी की प्रेगनेंसी दिखती है। जैसे अब मेरा है, मेरा जो फेस है वो 9 मंथ में पूरा इतना फूल जाएगा और बस मेरा टमी पे फैट आता है, पूरी बॉडी पे नहीं आता है। ऐसे कुछ लोगों को पूरी बॉडी पे फैट आता है, तो सबकी अपनी अपनी प्रेगनेंसी। मुझे भी प्रेगनेंसी में फैट नहीं आया कहीं पे भी, सिर्फ टमी पर आया। तो नेक्स्ट कमेंट है ईशा त्रिपाठी का। आई एम नॉट अ रेगुलर व्यूअर बट सीइंग यू आर डूइंग डेली व्लॉग्स इन प्रेगनेंसी इंस्पायर मी अ लॉट। थैंक यू गाइस, हैव इनफ that you sit and relax, do not work, still inspiring many. Those who are commenting negatively are those who are neither happy or not get the amount of respect. बिल्कुल सही बात कर रहे हो, जो हमें कमेंट करते हैं उनको आज तक इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली होती लाइफ में, ना वो इतने खुश होते हैं अपनी जिंदगी में, तभी वो हमें कमेंट करते हैं। क्योंकि जब इंसान खुद दुखी होता है ना, तो वो ना अपने दिमाग में ऐसे ही थॉट्स लाते हैं, और वो जब व्लॉग देखता है तो जो थॉट्स उसके दिमाग में चल रहे होते हैं वैसे ही कमेंट करता है। तो नेक्स्ट कमेंट है कार्तिक अग्रवाल का। ब्यूटीफुल फैमिली, मे गॉड ब्लेस यू। कृतिका दी का बिग वाला ड्रीम ट्रू एज सून एज पॉसिबल। बेस्ट विशेज फॉर लास्ट फ्यू डेज बिकमिंग मदर ऑफ टू मोर क्यूट लव ऑफ गॉड। बेस्ट विशेज टू पायल दी, वी आर ईगर टू सी द गॉड लव इन योर लाइफ। टेक केयर दीदी, स्टे हेल्दी सेफ। थैंक यू सो मच कार्तिक अग्रवाल जी, आपने बहुत बड़ा कमेंट किया है और इतनी सारी दुआएं आपने भगवान से हमारे लिए मांगी है, उसके लिए थैंक यू सो मच। भगवान करे आपको भी आपकी लाइफ में जो भी चाहिए वो आपको मिले और आपकी फैमिली को भी सारी खुशियां मिले दुनिया की। नेक्स्ट कमेंट है स्नेहा कुमारी का। मेरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी में मेरा टमी 3rd मंथ जैसा लगता था। सबकी प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है, गॉड ब्लेस यू दी। बिल्कुल स्नेहा, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि मैंने भी पहले बोला है कि सबकी प्रेगनेंसी अपने हिसाब से होती है, तो बस आज का जो है लास्ट कमेंट यही था और इसके साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 11 तारीख को चीकू का गाना आने वाला है, स्कूल नहीं जाना मैं। जिसने अभी तक नंबर 1 रिकॉर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय गाइस।